हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ है एक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कव इसको पीपीसीबी कहा जाता है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कव क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कव शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है ये जो कर्व है इसके ऊपर अनगिनत पॉइंट हैं ये जो पॉइंट है इनको मिला के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनी है ये क्या है एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स जो आपको क्या शो करते हैं हर एक पॉइंट शो करता है एक्स गुड एंड वाई गुड के अलग अलग कॉम्बिनेशन ठीक है ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करते हैं एक्स गुड एंड वाई गुड के जो कि आप बना सकते हो विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ठीक है अगर आपके पास गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दे दिए जाएं, तो वेरियस कॉम्बिनेशन जो आप एक्स गुड एंड वाई गुड के बना सकते हो उन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आ जाएगी ठीक है आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी अब आ जाता है इसकी स्लोप स्लोप होता है ढलान इसकी जो स्लोप है उसको कहते हैं एमआर एक्स वाई थोड़ा नीचे लिखते हैं एम आर टी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड मतलब अगर एक्स गुड को ज्यादा लिया तो वाई गुड का कितना सेक्रीफाइस किया जाएगा इसकी स्लोप होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अब इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाता हूं मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स गुड एंड वाई एक्सिस पे वाई गुड दे दिया क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ अम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ठीक है अब कोई भी पॉइंट अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे आता है ठीक है तो ये हमें क्या शो करता है ये हमें शो करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यहां लिख रहा हूं ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्सिस को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया क्यों नहीं किया गया थोड़ा बताता हूं आपको फॉर एग्जाम्पल डी पॉइंट पे हो डी पॉइंट पे आप वाई गुड इतना बना रहे हो और एक्स गुड ओ एक्स बना रहे हो लेट एक्स वन वाई गुड बना रहे हो वाई वन अगर थोड़ा हिम्मत मारते इसको थोड़ा यहाँ ट्रांसफर करते ई e पॉइंट तक तो क्या पता ये एक्स गुड ज्यादा बना देता ठीक है ना एक्स गुड इतने जो है ये इतने बन सकते थे मगर ये इतने ज्यादा नहीं बने तो ये अंडर यूटिलाइजेशन है सिमिलरली आप एक्स गुड को सेम रख के वाई गुड को भी बढ़ा सकते थे मगर वो नहीं ना हुआ तो इसीलिए कोई भी पॉइंट अब जो मैं यहाँ फिर से बना देता हूँ पॉइंट ठीक है कोई भी पॉइंट पीपीसी के नीचे होगा तो वो हमें क्या दिखाएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अब कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के ऊपर होगा वो हमें दिखाएगा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस क्यों क्योंकि रिसोर्स को फुली यूटिलाइज किया जा रहा है अगर हम कोई भी पंगा लेंगे एक्स गुड इधर या उधर जाते हैं तो अगर एक गुड ज्यादा होगा तो दूसरा गुड कम होगा इसमें क्या हो रहा था डी या सी या डी पॉइंट में अगर आप एक को कांस्टेंट रखो एक गुड को कोई भी एक गुड को कांस्टेंट रखो तो दूसरे की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो मगर ई e पॉइंट पे क्या है अगर आप एक गुड को कॉन्स्टेंट रखते हो तो दूसरे गुड की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा और अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी के ऊपर आ जाता है लेट ये पॉइंट आ जाता है एफ तो इसे हम क्या कहेंगे अनअटेनेबल कम्बिनेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ अन अटेनेबल कम्बिनेशन अन अटेनेबल क्यों ये हमारी औकात से बाहर चला गया ये रिसोर्सेज जो हमारे पास थे जो ये जो रिसोर्सेज दिखा रही है पीपीसी का ये इससे ऊपर निकल चुका है तो ये अन अटेनेबल है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी या रोटेशन ऑफ पीपीसी टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे